Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education, and I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Trinity College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a topic which is relevant to you because it is just the International Day of Persons with Disabilities, which has been observed on 3rd December each year. And I have discussed it within the context of the 2023. So here I am discussing with you all the International Day of Persons with Disabilities 2023, which is held on 3rd of December. First of all, disability. हमको ये जानना होगा कि हम International Day of Persons with Disabilities पे बात कर रहे हैं तो disability क्या है, हम किसको कहते हैं विसंगति असंगता, विसंगति हम किसको कहते हैं. तो डिसेबिलिटी मतलब कि कह रहे हैं ना, नाम से ही समझ में आ रहा है कि एबिलिटी में कहीं कुछ कमी है. तो डिसेबिलिटी इज एन इम्पेयरमेंट दैट मे बी कॉग्निटिव, डेवलपमेंटल, इंटेलेक्चुअल, मेंटल, फिजिकल एक्सेट्रा. वो कह रहे हैं कि एक इम्पेयरमेंट है डिसेबिलिटी, एक हमको दिक्कत क्रिएट करता है. जो कुछ भी हो सकता है वो बौद्धिक हो सकता है, वो विकासात्मक हो सकता है, वो संज्ञानात्मक हो सकता है, वो मानसिक हो सकता है और वो शारीरिक भी हो सकता है. विसंगति का प्रकार, इट इफेक्ट्स द एवरीडे एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल टू ए कंसिडरेबल अमाउंट. और ये जिसको हो जाता है, जो डिसेबल्ड होता है, उसकी ये रोजमर्रा की जो एक्टिविटी होती है उसको ये एक निश्चित अमाउंट तक प्रभावित करता है. मतलब इतना प्रभावित करता है कि वो कंसिडर किए जाने लायक है. इट मे बी प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ और अकर ड्यूरिंग वंस लाइफ टाइम. ये हमको जन्म से भी हो सकती है विसंगति, या हम इसको अपने लाइफ टाइम में भी हमको मिल सकती है, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए. डिसेबिलिटी हैज बीन डिफाइंड एज एनी रिस्ट्रिक्शन और लैक ऑफ एबिलिटी. वो कह रहे हैं कि विसंगति जो है उसको इस तरह से परिभाषित किया जा सकता है कि कोई बाधक तत्व है, रिस्ट्रिक्ट करता है हमको, या योग्यता में कोई कमी है जो कि टू परफॉर्म एन एक्टिविटी इन द मैनर और विद इन द रेंज कंसीडर्ड नॉर्मल फॉर ए ह्यूमन बीइंग. मतलब कि जो मनुष्यों के लिए एक नॉर्मल रेंज कहलाई जाएगी, उससे उस रेंज में परफॉर्म करने से व्यक्ति को रोकती है डिसेबिलिटी. इट डिनोट्स द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इम्पेयरमेंट इन टर्म्स ऑफ फंक्शनल परफॉर्मेंस एंड एक्टिविटी बाई द इंडिविजुअल. और इसका मतलब है कि हमारा जो कार्यात्मक हमारी निष्पत्ति है उसमें हमको दिक्कत आती है, या हमारी जो रोजमर्रा की एक्टिविटी है व्यक्ति की उसमें दिक्कत आती है, तो वो सब डिसेबिलिटी के अंतर्गत आएगा. और क्या है, डिसेबिलिटी रिजल्ट्स फ्रॉम द इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स विद ए हेल्थ कंडीशन सच एज सेरिब्रल पाल्सी, डाउन सिंड्रोम एंड डिप्रेशन. वो कह रहे हैं कि हेल्थ कंडीशन की वजह से भी हो सकता है डिसेबिलिटी, जैसे कि सेरिब्रल पाल्सी हो जाए, किसी को डाउन सिंड्रोम हो जाए, कोई डिप्रेशन का शिकार हो जाए. यानी कि जो इंडिविजुअल है और उसकी जो हेल्थ कंडीशन है उसके इंटरेक्शन से दिक्कत आ सकती है, या विद पर्सनल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यानी कि आपके वैयक्तिक या आपके वातावरणीय कारक हो सकते हैं इसमें, जैसे कि नेगेटिव एटीट्यूड हमारा किसी चीज़ को लेकर है, इनएक्सेसिबल ट्रांसपोर्टेशन एंड पब्लिक बिल्डिंग्स एंड लिमिटेड सोशल सपोर्ट. मतलब जो इंडिविजुअल है उसके इंटरेक्शन से, वो हेल्थ कंडीशन हो सकती है, वो पर्सनल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, ये सब डिसेबिलिटी उत्पन्न होती है. और टुडे, और एक ये डेटा है, ये फैक्ट है जो कह रहा है कि टुडे द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज अबाउट 8 बिलियन एंड मोर देन 1 बिलियन पीपल और अप्रॉक्सीमेटली 15% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव विद सम फॉर्म ऑफ डिसेबिलिटी. वो कह रहे हैं कि अगर 8 बिलियन लोग इस दुनिया में रहते हैं तो उसमें से 1 बिलियन लगभग, या आप कह सकते हैं मोटा मोटा विश्व की जनसंख्या का 15% लोग जो हैं वो कोई ना कोई विसंगति से ग्रस्त हैं. और इस 15% में, यानी कि विश्व की कुल जनसंख्या का जो 15% है जो डिसेबल्ड है, उसमें से 80% डेवलपिंग कंट्रीज में रहते हैं, विकसित देशों में निवास करते हैं. तो आप समझ सकते हैं कि विकसित देशों की भागीदारी और उनकी जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है डिसेबिलिटी को लेकर. फिर की जाएगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की. क्यों हम ये बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो 3 दिसंबर, कल जो 3 दिसंबर है, आज 2 दिसंबर खत्म हो रही है, जो मनाया जा रहा है इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, उसका जो गोल, जो थीम इस बार सेट हुई है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से मिलती है. इसीलिए ये आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी आपसे शेयर किया जाएगा. तो SDGs है क्या, बहुत पॉपुलर टर्म है ये. द SDGs ऑल्सो नोन एज द ग्लोबल गोल्स वर अडॉप्टेड बाई द यूनाइटेड नेशंस इन 2015 as a universal call to action
to end poverty, protect the planet and ensure that by 2030 all people enjoy peace and prosperity. यानी कि United Nations ने 2015 में एक पूरे विश्व को जगाया, एक पुकार लगाई और कहा कि हम क्या करें, हम गरीबी को खत्म कर दें, हम अपना जो planet है, हमारा जो ग्रह है, उसकी सुरक्षा करें और ये ensure करें, सुनिश्चित करें कि 2030 तक सभी लोग शांति से रहेंगे और प्रॉस्पेरिटी से रहेंगे। तो जो SDG है वो क्या है, 17 ग्लोबल गोल का कलेक्शन है जो कि कहता है कि हम प्लैनेट को इम्प्रूव करेंगे और ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी बढ़ाएंगे, 2030 तक हम ऐसा कर लेंगे ये सोचा गया है। इन एसेंस द SDGs आर ए कंटिन्यूएशन ऑफ द 8 MDGs विच बिगेन इन द ईयर 2000 एंड एंडेड इन 2015। गोल 10 इज रिलेटेड टू रिड्यूस इनइक्वालिटी, यानी कि जब 2000 में हम लोग मिलेनियम में प्रविष्ट हुए तो कहा गया था कि 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स बनाए गए थे, ये माना गया था कि हम 2015 तक इसको अचीव कर लेंगे, लेकिन जब 2015 आने लगी और हमने देखा कि हम इसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो हमने इसको एक्सटेंड करके 2030 कर लिया है और इसका नाम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कर लिया है और इसकी संख्या 8 से बढ़कर 17 हो गई है। तो उसमें गोल नंबर 4 तो हम लोगों ने कई बार आपसे डिस्कस किया है, एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन को लेकर है, और जो गोल नंबर 10 है वो उसका जो मेन थीम है वो रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी है, यानी कि असमानता को हमें कम करना है। तो इस तरह से SDGs जो है वो डिसेबिलिटी से भी मिलते हैं का मतलब कि ये मानते हैं कि डिसेबिलिटी खत्म होनी चाहिए। जो हमारे SDGs है उनके पिलर्स क्या है, देखिए 5 P है इनके पिलर। पीपल को हम सुधारेंगे, प्लेनेट सुधारेंगे, सबको प्रॉस्पेरस बनाएंगे, सबको पीस देंगे और पार्टनरशिप इंश्योर करेंगे। तो पीपल में जेंडर इक्वालिटी की बात होती है, प्लैनेट में देखिए आजकल कितनी बात हो रही है क्लाइमेट एक्शन की, हमको क्लाइमेट सुधारना है, जलवायु के बारे में बहुत हो रहा है, सब समिट हो रहे हैं, उस पर साइंस हो रहे हैं, MOU साइन हो रहे हैं, मेमोरेंडम साइन हो रहे हैं कि हम दुनिया को, ग्रह को, अपने पृथ्वी को बचाएंगे क्योंकि ये प्लैनेट में क्लाइमेट का हिसाब किताब बहुत गड़बड़ हो गया है। और प्रॉस्पेरिटी में बात होती है कि फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट, विकास के लिए सारा आप क्रय विक्रय वित्तीय व्यवस्था देखिए। पीस, ए न्यू एजेंडा फॉर पीस की बात होती है और पार्टनरशिप में बात होती है स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म, मल्टीलिंगुअलिज्म, ये सारी बातें पार्टनरशिप को लेकर होती हैं। तो ये जो SDGs हैं, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनके ये 5 P हैं या 5 पिलर हैं, पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी, पीस और पार्टनरशिप। फिर वेरियस प्रोग्राम्स ऑन डिसेबिलिटीज, बहुत सारे प्रोग्राम डिसेबिलिटी पे बनाए गए हैं, जैसे कि 1980 से शुरू हुआ द UN बिगेन टू फॉर्मुलेट वेरियस प्रोग्राम्स डिजाइंड टू फर्दर द राइट्स ऑफ डिसेबल्ड पीपल ग्लोबली। 1980 में यूनाइटेड नेशंस ने बहुत सारे प्रोग्राम डिजाइन किए जिससे कि जो डिसेबल्ड पीपल हैं विश्व भर में, जो विसंगति ग्रस्त लोग हैं, वो उनके लिए हम काम करें। तो क्या क्या प्रोग्राम चलाया गया, द वर्ल्ड प्रोग्राम ऑफ एक्शन कंसर्निंग डिसेबल्ड पीपल्स 1982 में, एंड द स्टैंडर्ड रूल्स ऑन द इक्वलाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज 1993 में। मतलब ये सिर्फ नाम है, डेटा है, आप याद रख सकते हैं, तो याद रखिए। फिर दिसंबर 2001 में मैक्सिको ने प्रपोज्ड एस्टैब्लिशिंग अ कमिटी टू कंसीडर प्रपोजल्स फॉर एन, वो कह रहे हैं कि एक इंटरनेशनल कन्वेंशन बना दिया जाए जो क्या करे, प्रोटेक्ट द राइट्स एंड डिग्निटी ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज, वो जो मतलब डिसेबल्ड पीपल हैं उनके राइट को प्रोटेक्ट करे और उनकी डिग्निटी को इंश्योर करे। और 13 दिसंबर 2006 को एक UN कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज UNCRP अडॉप्ट किया है UN जनरल असेंबली ने। तो ये इसके पीछे का हिसाब किताब है। फिर इंटरनेशनल डे ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज में क्या है कि सिंस इट्स प्रोक्लेमेशन इन 1992 बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, यानी कि 1992 से ये मनाया जाना शुरू हुआ है, 1992 से मनाते मनाते 2023 में हम लोग आ गए हैं और ये कह रहा है कि यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज हैज बीन सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 3rd of December अराउंड द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में 3 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी मनाया जाता है। दिस रेजोल्यूशन इनवाइटेड मेंबर स्टेट्स एंड रिलेवेंट ऑर्गेनाइजेशंस टू इंटेंसिफाई देयर एफर्ट्स एम्ड एट सस्टेन्ड इफेक्टिव एक्शन टू इम्प्रूव द सिचुएशन ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज। वो कह रहे हैं कि ये जो रेजोल्यूशन है वो जो मेंबर स्टेट्स हैं, उसके जो सदस्य राष्ट्र हैं, सदस्य राज्य हैं और जो रिलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको इन्वाइट करता है और कहता है कि अपने जो आपके जो एफर्ट्स हैं उनको इंटेंसिफाई कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, तेज कर दीजिए। और वो एफर्ट किस लिए होने चाहिए कि हम एक सस्टेन्ड इफेक्टिव एक्शन
चलाएं जिससे कि जो डिसेबिलिटी युक्त व्यक्ति हैं उनकी सिचुएशन को सुधारा जा सके, उनकी स्थिति में सुधार लाया जा सके। और द यूएन प्रोक्लेमेशन केम आफ्टर इट हैड डिक्लेयर्ड 1981 द इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिसेबल्ड पर्संस, इसीलिए यूनाइटेड नेशंस ने 1981 को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित कर दिया डिसेबल्ड पर्संस के लिए, ताकि पूरे वर्ष भर इनके लिए क्रियाएं होती रहें। एंड द फॉलोइंग डिकेड, और 1982 से लेकर 1992 तक को यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ डिसेबल्ड पर्संस करार दिया गया है, मतलब पूरा दशक बना दिया गया कि 1982 से 1992 तक ये पूरा दशक मनाया जाएगा यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ डिसेबल्ड पर्संस, जिसमें उनके लिए पॉलिसीज बनाई जाएंगी, उनके लिए इंटरवेंशन प्रोग्राम चलेंगे, उनके लिए सारा कुछ किया जाएगा। और फिर 1992 से हर वर्ष 3 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज मनाया जा रहा है। ओके, फिर यूनाइटेड नेशंस कमिटी कमिटमेंट टू द फुलफिलमेंट ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स फॉर पर्संस विद डिसेबिलिटीज हैज बीन स्ट्रेंथेंड बाय द वाइडली रेटिफाइड कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एंड बाय द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि यूनाइटेड नेशन का कमिटमेंट है ये कि हम सभी मनुष्यों के ह्यूमन राइट्स को फुलफिल करेंगे, तो सभी मनुष्य में आपके डिसेबल्ड पर्सन भी आ जाते हैं। तो ये बहुत बात की गई, काम किया गया, और इनको 2030 के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से भी इसीलिए जोड़ दिया गया है। इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबल्ड पर्सन रिकॉग्नाइजेस विजिबल एंड इनविजिबल डिसेबिलिटीज। यानी कि देखिए, कुछ विसंगतियां तो दिखती हैं, कुछ अदृश्य होती हैं। उन्होंने कहा दोनों को आपको प्रमोट करना है, कि मतलब दोनों का ही इंक्लूजन को प्रमोट करना है, यानी कि सभी समाविष्ट हो सकें जीवन में भी और वर्क प्लेस पे भी। एन एनुअल इवेंट वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे इज होस्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस एंड इनकरेजेस बिजनेस लीडर्स अक्रॉस द ग्लोब टू वैल्यू द यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ डिसेबल्ड पीपल। इसीलिए एक राष्ट्रीय मतलब कि वार्षिक एक घटना, एक इवेंट मनाया जाता है जिसको वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे का नाम दिया गया है। यूनाइटेड नेशंस इसको होस्ट करता है, और इसमें जितने बिजनेस लीडर्स हैं अक्रॉस द ग्लोब पूरी दुनिया में, और जिन्होंने कुछ डिसेबल्ड पीपल के लिए यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, उन सबको इनकरेज किया जाता है। फिर इंक्लूसिव सोसाइटी इन डेवलपमेंट, मतलब कि क्या हमको फायदा क्या होगा, हमने सारे डिसेबल्ड पीपल को प्रमोट कर दिया, उनका इंक्लूसिवनेस, उनकी इंक्लूसिविटी, तो उससे फायदा क्या होगा। फायदा ये होगा कि द यूनाइटेड नेशंस डिसेबिलिटी इंक्लूजन स्ट्रेटजी प्रोवाइड्स द फाउंडेशंस फॉर सस्टेनेबल एंड ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस ऑन डिसेबिलिटी इंक्लूजन थ्रू ऑल पिलर्स ऑफ द वर्क ऑफ द यूनाइटेड नेशंस पीस एंड सिक्योरिटी ह्यूमन राइट्स एंड डेवलपमेंट। तो उससे क्या होगा कि सस्टेनेबल और ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस होगी, और यूनाइटेड नेशंस के जितने पिलर हैं पीस सिक्योरिटी ह्यूमन राइट्स डेवलपमेंट सब बढ़िया हो जाएंगे। और इंटरनेशनल डेज एंड वीक्स आर ओकेजंस टू एजुकेट द पब्लिक ऑन इश्यूज ऑफ कंसर्न। देखिए, अगर ये डे नहीं मनाया जाता तो किसको पता था 3 दिसंबर, जैसे बाकी दिन वैसे 3 दिसंबर, लेकिन चूंकि ये दिन बना दिया गया है 1992 से कि आप मनाइए, तो आप विद्यालयों में, कार्यालयों में, संस्थानों में डिसेबल पीपल को के लिए काम किया जाएगा, कुछ उनके लिए प्रमोशन किया जाएगा, कुछ उनकी उनके उनका प्रोटेक्शन उनके राइट्स का होगा। तो ये जो दिन और अवसर होते हैं वो हमको याद दिलाते हैं कि हमको इसके लिए काम करना है। और evidence and experiences show that when barriers to their inclusion are removed and persons with disabilities are empowered to participate fully in societal life, their entire community benefits. और ये देखा गया है, ये इसके प्रमाण है हमारे पास, अनुभव से ये पाया गया है कि जब जो जो बैरियर उनके रास्ते में आता है डिसेबल्ड पीपल के इंक्लूजन के रास्ते में, अगर आप उसको हटाते हैं तो ये व्यक्ति, ये जो लोग हैं, वो बहुत अपने आप को सशक्त महसूस करते हैं और अपने सोसाइटल लाइफ में पार्टिसिपेट करते हैं, और उनके पूरे कम्युनिटी का बेनिफिट होता है, लाभ होता है। बैरियर्स फेस्ड बाय पर्संस विद डिसेबिलिटीज आर देयरफॉर अ डिट्रीमेंट टू द सोसाइटी एज ए होल। इसलिए कह रहे हैं कि ये जो भी विसंगति ग्रस्त लोग हैं उनकी जिंदगी में जो भी आप बैरियर क्रिएट करते हैं उनसे हमारी पूरी सोसाइटी को नुकसान होता है। और अगर हम उनको एक्सेसिबल बनाते हैं ताकि सब तक उनकी पहुंच हो, रिसोर्सेज तक सब तक, तो ये हमारे देश की राष्ट्रीय प्रगति के लिए बहुत अच्छा है, नेसेसरी है, आवश्यक भी है। अच्छा, चूंकि इसकी फर्स्ट स्लाइड को मैंने चेंज कर दिया, इसलिए जब मैं इसका डिस्क्रिप्शन लिखूंगी, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बता दूंगी कि 3 दिसंबर 2023 की थीम क्या है। थीम में चूंकि कहा गया है कि हमको फॉर विद एंड बाय, यानी कि डिसेबल्ड लोगों के लिए, डिसेबल्ड लोगों के साथ और डिसेबल्ड लोगों के द्वारा हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए काम करना है, यही इस बार की थीम है। इसीलिए मैंने आपसे SDGs डिस्कस किए हैं,
और आपको बताया है कि कब 1981 में साल बनाया गया, 1982 से 92 तक दशक चलाया गया और 1992 से हर साल ये एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है डिसेबल्ड पीपल के लिए। और आपको 2023 की थीम बता दीजिए, हर साल यूनेस्को थीम डिसाइड करती है और जितने भी इस तरीके के स्कूल्स में, कॉलेजेस में, बिजनेस वर्ल्ड में, जहाँ जहाँ भी ये सारी बातें हैं वहाँ पे इन लोगों के लिए, डिसेबल्ड पीपल के लिए काम किया जाता है, अवेयरनेस फैलाई जाती है, इनके मार्ग में जो बाधक है, जो बैरियर है उसको हटाया जाता है ताकि इनका पार्टिसिपेशन सुनिश्चित किया जा सके और ये देश की, राष्ट्र की और अपने समुदाय की प्रगति में योगदान दे सकें। सो थैंक यू ऑल एंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स आई हैव रिटन, आई विल राइट द थीम फॉर दिस ईयर 3rd December 2023 सेट बाई यूनेस्को। ओके, सो आई हैव डन फ्रॉम माई साइड।